नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के तमाम ताजा खबरों पर। आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम पैरोल मिलने के बाद इलाज के लिए मुंबई जाएगा। मंगलवार दोपहर 2 बजे की इंडिगो जोधपुर से मुंबई की रूटीन फ्लाइट से जाएगा। उपचार और आने जाने का पूरा खर्च आसाराम को उठाना होगा। जयपुर में पुलिस चौकी के अंदर हेड कांस्टेबल बाबूलाल बेरवा द्वारा आत्महत्या करने के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पिछले 5 दिनों से पीड़ित परिवार के साथ समाज के लोग जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। सोमवार को धरना स्थल पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे, जहाँ उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस देकर सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा, सरकारी नौकरी और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग रखी। इस दौरान मृतक हेड कांस्टेबल की पत्नी मीना देवी बेरवा ने सांसद के सामने न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। इसके बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यदि हेड कांस्टेबल बाबूलाल बेरवा के प्रकरण में सरकार फैसला नहीं करेगी तो जल्द राजस्थान में कहूंगा कि वो शहीद हो गए सिस्टम के खिलाफ। जो 16 सीटी की चार्जशीट इन लोगों को सौंपी थी, उसमें लगातार वो तकलीफ में थे। जगह जगह इन्होंने अधिकारियों से बात करी, अपने आप को निर्दोष साबित करने की बात की, लेकिन पुलिस मुख्यालय कमिश्नरेट के बैठे अधिकारी इनको जांच से बाहर नहीं निकाल रहे थे, इनको प्रताड़ित कर रहे थे, और इसकी वजह से इस व्यक्ति को अपने प्राण देने पड़े। इसके अंदर सीधा सीधा राजस्थान सरकार का सिस्टम फेल्योर है, कमिश्नरेट का सिस्टम फेल्योर है। और भजन लाल जी राजधानी के अंदर, मुझे बताएं, प्रधानमंत्री जी का दौरा है और राजधानी में एक हेड कांस्टेबल जिसने सेवाएं इस पुलिस डिपार्टमेंट को लंबे समय से दी, वो परिजनों के साथ हजारों की तादाद में अनेक संगठन, सारे लोग, हर पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं कि बाबूलाल बेरवा के परिवार को न्याय मिले। और परिजनों की जो मांग है, ये नियुक्ति, मुआवजा, ये तो चलता रहता है, लेकिन गिरफ्तारी इन मुलजिमों की हो, क्योंकि सुसाइड नोट, जहां भी सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है कि सुसाइड नोट अगर मरता हुआ व्यक्ति लिखता है तो उसको सही माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है वो अपवाद को छोड़ दें। तो इसके अंदर सीधा सीधा पुलिस के 3 अधिकारी और 1 पत्रकार दोषी है। परिजन गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, अन्य मांगों को लेकर 5 दिन हो गए, और पहले ही दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से हमने, हमारी पार्टी ने पूरा समर्थन दे दिया था। लगातार मैं पुलिस कमिश्नर, DGP और सरकार के अंदर बैठे बड़े लोगों के संपर्क में था। मैं चाह रहा था कि भाई ये जो मामला है, ये पुलिस के अंदर बैठा व्यक्ति अगर न्याय नहीं मिले उस सुसाइड के लिए, इससे गंभीर बात नहीं हो सकती। लोग जब पुलिस से ही भरोसा उठ जाए। इसी तरह का मामला केनारा मेघवाल का नागौर के अंदर हुआ, उस दमड़े परिवार के साथ सुसाइड किया था, उसमें विधानसभा के अंदर भी मामला उठा, और गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री थे, उन्होंने मामला IG स्तर के अधिकारी से जाँच कराई थी, लेकिन बाद में उस जाँच को दबा दिया। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहूंगा कि ये हर व्यक्ति की पीड़ा है। अगर व्यक्ति आत्महत्या करके और मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री को उसके अंदर संबोधित करके लिखता है कि आप मुझे न्याय दिलाएंगे, मेरे परिवार को न्याय दिलाएंगे और इन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब इतनी बात सीधी सीधी सबूत साक्ष्य हैं तो गिरफ्तारी में देरी नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो उन लोगों को राउंड अप करके और जो भी घोषणा है, मैं तो ये कहता हूँ कि उप मुख्यमंत्री जो प्रेम जी, वो खुद बेरवा समाज से आते हैं और बेरवा समाज और किसानों के दम पे वो चुनाव जीते हैं। उनकी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है कि उनको आगे आके धरना स्थल पर आके ये घोषणा करनी चाहिए कि ये मेरी लड़ाई है, ये बाबूलाल बेरवा के परिवार की लड़ाई नहीं है, ये पूरे राजस्थान के उन हजारों पुलिस कर्मियों की जो अपनी जान की बाजी लगा के इस सिस्टम के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक हेड कांस्टेबल का 5 दिन से सौ पड़ा और राजधानी के अंदर कोई सुनने को नहीं आ रहा। मौके पे मंत्रियों को आना चाहिए, कौन है रोक रहा बताएं मुझे, आके इन लोगों से बात करनी चाहिए कि अब कभी तो किसी एडिशनल कमिश्नर को भेज रहे हैं, कभी किसी ADG क्राइम को भेज रहे हैं, तो ये तो सबको देखा हुआ। तो मेरा परिजनों की जो मांग है उसके साथ हम लोग बैठे, परिजन जैसा चाहेंगे वैसा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की मांगे जब तक नहीं मानते हम साथ हैं। आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान बंद भी इसमें होगा, और आवश्यकता पड़ी तो कल 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे घेरने के लिए इसको आएंगे। मैं सरकार से ये भी मांग करूंगा कि बॉडी को 5 दिन हो गए, डीप फ्रीज की व्यवस्था सुनिश्चित करें, उसको ढंग से देखें, और सरकार अलग अलग बात देख के मुख्यमंत्री को खुद को व्यक्तव्य देना चाहिए कि पुलिस का जवान
शहीद हुआ है, मुख्यमंत्री को व्यक्ति में देखे, खुद ही बिना वार्ता के वहीं बैठे बैठे कहना चाहिए कि सारी मांगे हमने मान ली है, और प्रेमचंद बेरवा को मौके पे भेज के और सारी मांगे मान के इन परिजनों को डांडस बंधना चाहिए। ये सरकार अगर संवेदनशीलता होती सरकार ये काम करती, सरकार संवेदनहीन है, सरकार किसी न किसी तरह SC ST के लोगों को वोट तो लेना चाहती है, लेकिन सरकार इनका शोषण करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की और दिल्ली की सरकार की आदत है। मैं तो रहा हूँ दिल्ली तक, मैंने देखा जिस तरह भी आरक्षण का मामला हुआ, जिस तरह दूसरे मामले सरकार इन लोगों को दूसरे तरीके से दूसरे नजरे से देखती है, ठीक नहीं है। किसानों के बल पर सत्ता में आए बोल रहे हैं कंगना रानौत ने, तो यहाँ तक बोल दिया कि किसानों के आंदोलन के दौरान रेप अगर भी होता था वहाँ पर आंदोलन में, तो आपको पता कंगना रानौत के वहाँ उस एयरपोर्ट में क्या बात, आपको ध्यान है घटना पे बोला तो भुगतना भी पड़ेगा, पहले भुगता और अब तो अब उसके खुद के विचार है, और उसके विचार नहीं, मैं तो ये मानो भारतीय जनता पार्टी के विचार है, क्योंकि बंद कमरे में जो बातें चलती है वही बातें बाहर आती है। तो निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर मोदी अमित शाह का जो घेरा है वो किसान विरोधी लोगों का घेरा है, और उनको मजा आता है लोगों को तंग करने के अंदर, और लोगों को तंग करके ही अगर हालात रहे तो आने वाले समय के अंदर भारत की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात इस देश के अंदर हो सकते हैं, जिस तरह अग्निवीर इसका भी बड़ा आंदोलन राजस्थान से शुरू होगा, हम करेंगे अग्निवीर को खत्म करने को लेकर, सेना के सम्मान को जो ठेस लगी है किसान आंदोलन के बाद अग्निवीर, और जिस तरह आम आदमी त्राईमाम करके गुजरात के कुछ लोग पूरे सिस्टम को हैक करके बैठे, न तो मीडिया स्वतंत्रता से अपनी बात कह सकता है, न कोई नेता कह सकता है, अगर बोलेगा तो ED CBI चली जाएगी, और अगर BJP ज्वाइन कर लेगा तो ED CBI केस खत्म कर देगी। आप बताइए, एक नई परंपरा इन्होंने शुरू की। पुराने समय में तो हमने जब बच्चे थे सुना था कि इमरजेंसी लगी थी इंदिरा जी के टाइम पे, लेकिन ये तो अघोषित आपातकाल चल रहा लंबे समय से, तो ये अघोषित आपातकाल है। बाबूलाल बेरवा के परिजनों को न्याय जब तक नहीं मिल जाता हम लोग इनके साथ है, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, एक इन्होंने संघर्ष समिति भी बनाई, हम सब लोग बात करके जो भी परिवार के हक में होगा, जो भी न्याय इस परिवार को मिले वो फैसला हम परिवार के साथ मिलकर हम लोग। तो ये भी बोला था कि CBI जांच की मांग, CBI जांच होनी चाहिए क्योंकि बार बार उन्हें सस्पेंड गलत तरीके से, देखिए CBI जांच अगर परिवार चाहेगा तो सरकार को हम झुकाएंगे, CBI जांच भी हो जाएगी, लेकिन परिजन और इस संघर्ष समिति क्या चाह रही है, इनसे बातचीत में कर रहा हूँ मैं, इनके साथ और निश्चित तौर पर सरकार को झुका के उठेंगे। पत्नी ने आत्मदाह की चेतावनी दी है कि अगर आज मेरे पति की बॉडी नहीं दी गई और न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करूंगी, इससे बड़ी चेतावनी नहीं हो सकती। एक चला गया और तो दूसरा जाने की बात करे, जो माँ की पीड़ा, जो बच्चों की पीड़ा, बेटियों की पीड़ा, कम से कम भजन लाल जी को तो लोग कहते थे बहुत सीधे सज्जन है भजन लाल जी, तो इनको चिंता नहीं किस बात की, उनको बयान तो देना चाहिए कम से कम, इसको व्यक्ति में उनको आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप उठे, मेरी संवेदनाएं हैं और मैं ये काम कर रहा हूँ वहीं बैठे हुए। CMO भी घोषणा कर देनी चाहिए ना, आंदोलन अपना भी खत्म हो जाएगा, हम छुट्टे नहीं और प्रेमचंद जी को भेज दें वहाँ पे, हो जाएगा सारा काम। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि जिस समाज का उप मुख्यमंत्री सत्ता के अंदर हो और उस समाज के बेटे की बॉडी 5 दिन से पड़ी है, या उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, अर्जुन जी मेघवाल के खिलाफ नारे लगाने मना किया, मैंने कहा इस तरह नारेबाजी अपन नहीं करें, अपना सिस्टम से झगड़ा है और सिस्टम को ठीक हम करेंगे, हम सिस्टम को ठीक करने के लिए बैठे हैं। तमाम संगठन, कई लोगों ने समर्थन नहीं दिया, 5 दिन से लगातार लोग आ रहे हैं, वो भी मजबूती के साथ इस परिवार को डांडस बंधाने के लिए आ रहे हैं। मैं मीडिया का और तमाम लोगों का धन्यवाद इस बात का भी दूंगा कि आपने भी इस मामले को मजबूत बनाया, कोई भी नुमाइंदा 5 दिन से नहीं आया, अभी आएगा भी नहीं, सरकार तो गूंगी बेरी है, सरकार तो दूसरे तरीके से मानती है, आज अगर मांगे नहीं मानी तो दूसरे तरीके से अख्तियार करेंगे लोग, वो कुछ भी कर सकते हैं, भजनलाल जी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। बता, राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान अशोक गहलोत ने 17 जिले और 3 नए संभाग बनाए थे, बीजेपी ने इस फैसले पर सवाल उठाए थे। इसके बाद भजनलाल सरकार ने नए जिलों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई जिसमें रिपोर्ट तैयार कर ली और 30 अगस्त को CM को पेश करनी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, नए जिलों पर फिर से फैसला टल गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के तहत जोधपुर में CM भजनलाल शर्मा ने अभियान कार्यशाला को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वे रेल से जोधपुर पहुंचे। जयपुर से जोधपुर के बीच कई रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री का कई जगह स्वागत किया गया। जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन से वे सीधे डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी CM से बात की।
राजस्थान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदेश भर के प्राइवेट बस ऑपरेटर मंगलवार को हड़ताल पर उतर गए हैं। सभी ने मिलकर एक भी प्राइवेट बस को सड़क पर नहीं उतरने का फैसला किया है। इस हड़ताल के कारण आंचलिक और ग्रामीण क्षेत्र की परिवहन सेवा खासी प्रभावित हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत डेली अप डाउन करने वाले नौकरी पेशा लोगों को हो रही है। वहीं कम दूरी की परिवहन सेवा पर भी इसका असर देखा जा रहा है। देश के प्रसिद्ध कॉरिडोर की तर्ज पर कोटा के मथुरादीश मंदिर कॉरिडोर का जल्द विकास निर्माण होने जा रहा है। कोटा को धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहचान जल्द मिलने वाली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जन्माष्टमी के मौके पर प्रसिद्ध मथुरादीश मंदिर में दर्शन किए। कॉरिडोर निर्माण समेत क्षेत्र के विकास की संभावनाओं पर अधिकारियों से मौके पर चर्चा की और जल्द ही क्षेत्र में विकास कार्यों को शुरू करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर डी के पूछे का लोटा स्थित मुखारविंद मंदिर में सप्तनी का अभिषेक किया और श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। आज इस ब्रज भूमि से और गिरिराज जी से प्रदेश के सभी भाई बहनों को, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया है, ये मुरली मनोहर सुदर्शन चक्रधारी ने पूरी दुनिया को एक संदेश भी दिया है। आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा में पैदा हुए और वो शिक्षा के लिए संदीपन गुरु के आश्रम उज्जैन गए थे, आज मैं जिन रास्तों से वो गए थे, यहां से भरतपुर, कोटा, झालावाड़ और इस रास्ते से उज्जैन पहुंचे थे, आज हम श्री कृष्ण गमन पथ, उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ विषय, आज हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों सरकारों ने मिलकर के हम कृष्ण गमन पथ का निर्माण करेंगे और वहां जहां उन्होंने जो हमारे पौराणिक आस्था के केंद्र हैं और जहां जहां वो गए हैं उन सभी स्थानों को चिन्हित किया गया है, उन स्थानों को हम प्रमुखता से मानचित्र पर लेकर के श्री कृष्ण गमन पथ जो वो मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन तक गए थे उन सभी स्थानों को विकसित करने का काम करेंगे। आज के इस कृष्ण जन्म के उत्सव पर मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह हमारी सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ये श्री कृष्ण गमन पथ के काम को हाथ में लेकर के उन स्थानों को जो स्थान पर भगवान कृष्ण के जो स्मृति हैं, उनके मंदिर हैं और उनके और पास के जो मंदिर हैं उनको भी हम पूर्ण रूप से विकसित करने का काम करेंगे। मैं उन्हें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज मैं यहां अभी ब्रज में हूं, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उन्होंने लीलाएं की और मैं शाम को उज्जैन जाऊंगा
और मैं संदीपन गुरु के आश्रम में भी प्रणाम करूंगा आप सभी को। बहुत विवेकानंद पब्लिक स्कूल को करोड़ों की भूमि आवंटन प्रस्ताव का विरोध करते हुए विधायक डूंगर राम गेदर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया होटल फर्स्ट में किया, जिसमें पत्रकारों से रूबरू होकर बताया कि विवेकानंद पब्लिक स्कूल को करोड़ों की भूमि आवंटन प्रस्ताव का किया जा रहा है। विरोध उन्होंने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए शहर का बड़ा नुकसान किया गया है। राजस्थान समेत देश भर में 21 अगस्त से यूजीसी नेट 2023 परीक्षा आयोजित की जा रही है। मंगलवार को जयपुर में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा दौरान एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। राजधानी के शंकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कुक्स इंस्टीट्यूट में यूजीसी नेट की परीक्षा होनी थी, लेकिन जब परीक्षा समय पर शुरू नहीं हुई तो वहां मौजूद विद्यार्थियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद से सेंटर पर नेट परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। इसका असर पहली शिफ्ट में परीक्षा देने वाले 250 अभ्यर्थी। राजस्थान में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में 22 अगस्त से रुक रुक कर बारिश शुरू हो गई थी। वहीं जयपुर मौसम केंद्र ने 27 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के जालौर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।